हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा डाइन का। आई होप आप सभी लोग की सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसी दौरान सीटेट ने एक नोटिस जारी की गई है करेक्शन को लेकर। तो काफ़ी बच्चे परेशान थे जिनको उत्तर प्रदेश में सेंटर नहीं मिल पाया था, तो उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को अपना मनपसंद सेंटर नहीं मिल पाया। फ्रेंड्स, ये नोटिस जो है 29 मई को जारी की गई है। सीटेट के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर कर ये नोटिस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन को लेकर इन्होंने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है करेक्शन को लेकर यहाँ पे नोटिस में कि जैसा कि पहले ही 25 अप्रैल की सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच CBT मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता के 17वें संस्करण का आयोजन करेगा, ठीक है, और उम्मीदवार सूचना बुलेटिन में लिखित कार्यक्रम के अनुसार अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार के लिए सीटेट वेबसाइट पर 29 मई यानी सोमवार से 2 जून शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी, ठीक है। और इसमें लिखा है इस अवधि के दौरान यदि किसी विशेष शहर में क्षमता उपलब्ध है तो उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा शहर भी बदल सकता है। ये सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, जैसा कि पहले ही इन्होंने बताया था कि फर्स्ट कम इन फर्स्ट सर्विस इन रूम, मतलब पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया इन्होंने पहले ही बताई थी कि जो भी पहले फॉर्म भरेगा वो अपना मनपसंद सेंटर सेलेक्ट कर सकता है। तो अभी भी करेक्शन में भी इन्होंने यही कहा है कि जितना जल्दी आप करेक्शन करेंगे, आप अपना सेंटर में अगर वहाँ पे यूपी आपको यूपी में चाहिए, अगर यूपी में सेंटर वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि हर जगह एक एक सीट या दो दो सीट खाली हो रही हैं, क्योंकि कई लोग ने फॉर्म जल्दी से भर दिया था क्योंकि सेंटर बहुत जल्दी फुल हो गया था। तो काफ़ी लोग ने जो भी जहाँ पे भी सेंटर मिला उन्होंने फॉर्म भर लिया, अब वो करेक्शन के टाइम में अपना सेंटर बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वही, जिन लोग ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया वो अब नहीं कर सकते, क्योंकि 26 मई तक ही लास्ट डेट थी। आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे वैकेंट सीट एक दो अगर मिलेगी तो आप चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने कुछ अपने कोड लैंग्वेज कोड में जो लैंग्वेज आपने अगर गलत चूज़ कर लिया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि फादर मदर नेम में आपने कोई गलती की है तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन की जो डेट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29 मई से लेकर 2 जून तक करेक्शन डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए करेक्शन कर लीजिए। अगर आपको सेंटर चेंज करना है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग को कोड सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया हुआ कि बीएड वाले कौन सा कोड सेलेक्ट करें और डीएलएड वाले कौन सा कोड सेलेक्ट करें, और लैंग्वेज को लेके जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर सीटेट आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, जैसे मैंने 120 प्लस मार्क्स लाया है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इसमें सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स और निगेटिव टैग वर्ड्स भी बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जो भी मैंने जानकारी दी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।